लाइटनिंग शॉक, तड़ितघात। कभी कभी बादलों का आवेश पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। पृथ्वी में आवेश का यह विसर्जन अत्यंत अल्प समय, लगभग 0.1 सेकंड में हो जाता है। विसर्जन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। इस विद्युत ऊष्मा से वायु का ताप एकाएक अत्यधिक बढ़ जाता है। बढ़े हुए ताप के कारण वायु का प्रसार होता है। प्रसार की अवधि में वायु के कण तीव्रता से कंपन करते हैं, जिसके कारण मेघ गर्जन की ध्वनि उत्पन्न होती है। तड़ित चमक के स्थान पर ताप 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कभी कभी जब कोई बादल किसी ऊंची मीनार या भवन के ऊपर से गुजरता है, तो उस मीनार की छत पर प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से बादलों एवं छत के मध्य विद्युत विसर्जन हो जाता है। बादलों का आवेश जब किसी पेड़ आदि से होकर पृथ्वी में जाता है, तो पेड़ में उच्च विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत बहुत उच्च ताप उत्पन्न करती है, जिससे पेड़ आदि जल जाते हैं। इन घटनाओं को लाइटनिंग शॉक अर्थात तड़ितघात कहते हैं। तड़ितघात से बचने के लिए ऊंचे भवनों पर तांबे का बना हुआ तड़ित चालक अर्थात लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है। बादलों का आवेश तड़ित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। इस प्रकार भवनों की सुरक्षा हो जाती है। धन्यवाद।